रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें यूक्रेन ने रूस को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया। दावा यह किया गया है कि यूक्रेन अब रूस जो है बेलारूस के रास्ते राजधानी कीव पर हमला कर सकता है, और उसके लिए पुतिन ने नया स्ट्राइक ग्रुप बना लिया है। क्या है रूस का बेलारूस वाला प्लान? पुतिन के लड़ाके मचाएंगे तबाही। पुरानी राह पर चल पड़े पुतिन। लेमान में पुतिन की सेना पस्त हो चुकी है। खार्किव में रूस के सपने खाक में मिल चुके हैं। खेरसोन से रूसी सेना की वापसी का आदेश दिया जा चुका है। एक एक कर यूक्रेन की सेना खेरसोन में दाखिल हो रही है। बम, कोला, बारूद के साथ साथ यूक्रेन के टैंक खेरसोन को कब्जे में लेने से पहले पूरे इलाके को छान रहे हैं। ज़ेलेंस्की फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। युद्ध में करीब 9 महीने के बाद एक ऐसा मौका आया है जब पुतिन ने पीछे हटने का फैसला लिया है, लेकिन इस फैसले के पीछे बड़ी साजिश के स्क्रिप्ट छिपे होने का अंदेशा न सिर्फ ज़ेलेंस्की को है, बल्कि कई देश भी पुतिन की किसी बड़ी चाल की तरफ आशंका व्यक्त कर चुके हैं। इस बीच सवाल उठने लगा है, क्या वाकई पुतिन कमजोर पड़ गए हैं या फिर हमला करने के लिए पुरानी रणनीति पर चल चुके हैं? क्योंकि एक खबर ने यूक्रेन के होश उड़ा दिए हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन कुछ ही दिनों में बेलारूस के रास्ते एक बड़ा हमला बोलने वाले हैं, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। यूक्रेन ने रूस की उस तैयारी को लेकर भी एक बड़ा दावा किया है कि पुतिन इसके लिए एक स्पेशल स्ट्राइक ग्रुप बना रहे हैं। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बेहद ट्रेन और खतरनाक जवानों को शामिल किया जा रहा है। नए सिरे से जंग शुरू करेंगे पुतिन? यह सवाल इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि 24 फरवरी को जब पुतिन के आदेश पर रूस की सेना ने यूक्रेन के इलाकों में हमला करना शुरू किया था, वो हमला बेलारूस के रास्ते ही किया गया था, और देखते ही देखते यूक्रेन के कई इलाके पुतिन की मुट्ठी में आते चले गए थे। तब रूस की फौज टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ बहुत तेजी से रूस के उत्तर में मौजूद चेर्नोबिल परमाणु प्लांट तक पहुंच गई थी, जिसने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया था। इससे पहले कि ज़ेलेंस्की को समझ पाते, रूसी सेना ने परमाणु प्लांट पर कब्जा भी जमा लिया था। यही नहीं, बेलारूस के रास्ते यूक्रेन में दाखिल होने वाले रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के उत्तर में पड़ने वाले दूसरे इलाकों पर भी ताबड़तोड़ हमले बोले थे और शहर दर शहर तबाही मचानी शुरू की थी। दावा किया गया है कि उसी बेलारूस को एक बार फिर से पुतिन अपना हथियार बनाने जा रहे हैं, जिससे जंग में खत्म होती रूस की ताकत को फिर से नए सिरे से मजबूत किया जा सके। लड़ाके तैयार, यूक्रेन पर होगा वार। यूक्रेन ने न सिर्फ पुतिन के हमले वाले प्लान का दावा किया है, बल्कि साथ ही उसके खतरनाक इरादे भी सबके सामने रख दिए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि पुतिन ने ये काम अपनी सेना के कुछ चुनिंदा लोगों को सौंपा है, जिससे जंग में एक बार फिर से बढ़त हासिल की जा सके। यूक्रेन अब दावा कर रहा है कि 24 फरवरी को जैसा हमला रूस की तरफ से यूक्रेन में किया गया था, वैसा ही हमला करने के लिए पुतिन ने एक स्ट्राइक ग्रुप तैयार किया है, जिन्हें आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है, ताकि वो पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला बोल सके। इस ग्रुप को भी घातक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से लैस किया गया है, साथ ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से लैस किया गया है। एक तरफ यूक्रेन इस हमले को लेकर दावा कर रहा था, तो वही दूसरी तरफ रूस ने अपनी और बेलारूस की सेना का एक वीडियो जारी कर दिया। रूस ने दावा किया कि इस बार यूक्रेन पर पहले से भी बड़ा वार होगा। इस वीडियो में रूस और बेलारूस के सैनिक युद्ध की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। मिसाइल और गोला बारूद के साथ साथ बड़ी बड़ी बख्तरबंद गाड़ियां गवाही दे रही हैं कि अगर इस बार युद्ध का आगाज
नए सिरे से हुआ तो फिर ये युद्ध लंबा, बेहद लंबा खिंच सकता है। रूस की तरफ से दावा किया गया है कि उसके और बेलारूस के सैनिक मिलकर महीनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही वीडियो में एक ट्रेन से लाई गई कई बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दी, जबकि रूस और बेलारूस के सैनिक टैंक और दूसरे हथियारों से जोरदार अभ्यास करते नजर आए। रूस की ये तैयारी देखकर कहा जा रहा है कि यूक्रेन का दावा सच भी साबित हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो एक बार फिर कीव खतरे में पड़ जाएगा, जो कि बेलारूस के बॉर्डर से महज 230 किलोमीटर दूर है। माना जा रहा है कि इस बार अगर पुतिन की सेना कीव के आसपास भी पहुंच गई तो वो मौका नहीं चूकेगी, जैसा कि पिछली बार की घेराबंदी में हुआ था और रूस की सेना को कीव छोड़कर पीछे हटना पड़ा था। लेकिन ये उन देशों के लिए बड़ा झटका साबित होने वाला है जो पुतिन के नरम पड़दे तेवरों में युद्ध के अंत की तस्वीर देख रहे थे, जबकि पुतिन युद्ध के मैदान के कैनवास पर खूंखार प्लान के रंगों से हमले की नई तस्वीर बना रहे हैं।